हेलो जी, दिस इज राजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद राजा। इसी के साथ हो गई है नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज देख रहे हो आप लोग, पीछे गढ़ है हमारे, यहाँ पे गाड़ी हमने लगा दी है। यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और बाकी एक ट्रैक यहाँ पे जाके करना है और दूसरा यहाँ पे है। ये वाला जो है उसको इडर गढ़ बोलते हैं और ऊपर जो है उसको रूठी रानी का मालिया बोलते हैं, और दूसरा सेम चीज़ यहाँ पे है जिसको रणबल चौकी बोलते हैं। और अभी आप देख सकते हो, अभी बज रहे हैं 6:25। तो आज हमारे साथ दो लोग और भी है, एक तनु भाभी और यशपाल भाई, और ट्रैक स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। आप देखिए, अभी तो हम लोग थोड़ा ही स्टेप्स ऊपर चढ़ गया है, फिर भी वेदर पूरा चेंज हो गया। और पता नहीं और ऊपर जाएंगे तो कितना चेंज होगा। रास्ते में जो जो चीज़ें आएगी वो हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। सबसे पहले आता है ये एंट्री गेट, और उसके बाद असली ट्रैक स्टार्ट होता है। वहाँ तक तो ये नीचे का पार्किंग का ही हिस्सा है ये पूरा। पूरी व्यवस्था है, थोड़ी थोड़ी देर में हर जगह ऐसा एक स्लॉट आ जाता है। तो जी, अब इसी के साथ पहुँचे हम लोग गढ़ के जस्ट मेन एंट्रेंस में। ये है इस साइड का, मतलब जो सिटी है उस साइड का मेन एंट्रेंस। और यहाँ तक चढ़ने में स्टेप्स लगे हैं मुझे 736 स्टेप्स। तो फ्रेंड्स, पहले इडरगढ़ इस गेट के अंदर से जाते थे, बट अभी इस गेट को लॉक कर दिया गया है और अभी हम जाएंगे इधर से। तो जी, अभी साइड वाले जो रोड है उससे आए हम, क्योंकि मेन जो एंट्रेंस है वो तो बंद कर दिया है, क्योंकि टेरेस पे लोग जाते थे। मैसेज हम सबको देते हैं, अभी हमने फ्रूटी पिया तो इसको कहीं इधर उधर थ्रो मत करो, खुद ही आप अपनी बैग में डाल दो। तो ये था गढ़, जो उसके बाजू वाले रास्ते से हम लोग आए, अभी यहाँ आ रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से और आगे। जैसे ही इडरगढ़ से हम लोग ये रास्ते से आते हैं तो उसके बाद हमें जाना है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये रास्ता बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है, सीधे यहाँ से आगे चले जाते हैं। ये सीढ़ी का इंडिकेशन याद रखो, एक यहाँ से इडरगढ़, और ये वाली जो स्टेयर्स दिख रहे हैं वो उसके इंडिकेशन से आप यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ पे जगह जगह पे एरोस बने हुए हैं कि रूठी रानी के मालिया इस तरीके से जाना है, तो आप उनको फॉलो करके रूठी रानी का मालिया पहुंच सकते हो। यहाँ से देखिए वो जगह, हम वहाँ जा रहे हैं ट्रैक करके, जो कि अभी दिख भी नहीं रही है बिकॉज वो बादल से अभी कवर्ड है। तो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि वो कितनी सुंदर जगह है। जी, आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे नैरो रोड आ रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी साइड जाना है, लेकिन जैसे मैंने वहाँ से दिखाया वैसे ही आपको इस तरीके का रूट फॉलो करते जाना है। और उसके बाद तो ये प्लेन्स आ जाएगा, फिर प्लेन्स में आपके चढ़ को आगे जाना है। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर पहले थे सबसे नीचे, फिर हम यहाँ पे, हमने आपको वीडियो बना के दिखाया, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। कुछ पैचेस ऐसे नैरो आ जाते हैं जिसमें आपको संभाल के आना पड़ेगा, और ये आप देख सकते हो कहाँ तक जा रहे हैं। इस तरीके के कुछ पैच आ जाते हैं, लेकिन बाकी सेफ है। लेकिन गढ़ ही देखो, यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है ये गढ़। वो कन्फ्यूज़न होगा कि इस साइड से जाना है कि इस साइड से जाना है, जैसे मैंने अभी बताया वहाँ से आया मैं नैरो पैच से, और इधर से एरो बना हुआ है, तो ऐसे आप आगे होके जाइए, क्योंकि इधर से जाएंगे तो पूरा एज वाला एरिया आ जाएगा यहाँ पर। तो जी, धीरे धीरे हम डेड एंड पे आ गए, यहाँ पे डेड एंड। वहाँ से नीचे से स्टार्ट किया था, अभी धुंधला धुंधला इसलिए नज़र नहीं आ रहा, कैमरे में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। वहाँ से नीचे से स्टार्ट किया था, यहाँ से होके फिर वहाँ से होके यहाँ आए, और अभी यहाँ का टावर भी देखने लगा है पीछे, थोड़ा आगे जाके कैमरे में क्लियर दिखेगा। मेन स्पॉट है वो ये है, और ये रहा टावर जिसकी मैं बात कर रहा था। वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था ये, खाली वहाँ से यहाँ तक नज़र नहीं आ रहा था, अभी क्लियर नज़र आ रहा है।
यहाँ पे हमारे साथ जो कपल आया है वो फोटोग्राफी कर रहा है, मज़े ले रहा है वेदर के। और एक्चुअल में वेदर ऐसा है कि यहाँ पे बैठ के पीसफुली मस्त एंजॉय करो। आज संडे भी है और अभी देखो टाइम हो रहा है 7 बजे। स्टेप्स देखो आप, 2000 स्टेप में तो हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे बैठ के ये लोग चिल कर रहे हैं, मैं अभी भी यहीं पे हूँ बाहर की साइड। और मेन जो स्पॉट है वो ऊपर की साइड जाना है, तो वो और ब्लर लग रहा है, यहाँ से तो नज़र ही नहीं आ रहा वो चीज़। और यहाँ पे देखिए सिटी गायब हो गया, पूरा सिटी ही नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँचे हैं अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा सा नीचे और यहाँ बैठ के हम ले रहे हैं मज़े। ये देखिए हमारा व्यू। पुलिस की चौकी भी यहाँ पे, टावर भी है जिससे मतलब यहाँ पे सैटेलाइट स्टेशन बोलते हैं इसको। और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे 24/7 है क्योंकि स्टेशन भी है टावर भी है प्लस यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। लेकिन वेदर देखो, सिटी पूरा गायब है, यहाँ से दिख ही नहीं रहा कुछ। और अभी हम लोगों को जाना है और आगे यहाँ से होके। तो यहाँ पे है रानी लेक और ये पावापुरी जैन मंदिर बना हुआ है। सिटी तो देखो यहाँ से पूरा गायब है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और ये वर्किंग है पूरा। और अभी देखो वहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे फ्रेंड्स, वहाँ तक जाना है हमें यहाँ से पूरा। देखो यहाँ से कितने दूर लग रहे हैं। सोच नहीं सकते इतनी खतरनाक हवा चल रही है। यहाँ पे रास्ता आप देख सकते हो, ये पहाड़ जो है वही रास्ता है, आगे जाके स्टेयर्स मिल जाती है उसको और उसके बाद जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी, मेन स्पॉट, वहाँ पहुँच जाएंगे हम। लेकिन आप रास्ता देखिए पूरा यहाँ से। और ये कब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिटी गायब सिटी गायब, मुझे ऐसा है कि कभी दिख जाएगा, दिख ही नहीं पा रहा वो सिटी। देखिए पूरा टूटा हुआ, यहाँ स्टेयर्स ख़त्म हो गई, यहाँ पे थी स्टेयर्स थोड़ी बहुत, यहाँ पे तो बिल्कुल गायब ही है। फाइनली हम लोग ये स्पॉट पे आ चुके हैं, ये देखिए इतनी सी चीज़ है। गढ़ के उस साइड है ईडर सिटी और इस साइड से जाता है अंबाजी का रास्ता। तो जब अंबाजी में शाम को आरती होती थी वहाँ पे मशाल जलती थी, उसके बाद थोड़े डिस्टेंस पे एक और मशाल जलती थी और उस मशाल को देख करके यहाँ पे मशाल जलाई जाती थी। ऐसी एक कहानी यहाँ पे प्रचलित है, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। तो जी जिसे कहते हैं ना कि वी आर ऑन क्लाउड 9, तो आज एक्चुअली वी आर इन क्लाउड्स। ये देखिए सारे क्लाउड क्लाउड क्लाउड। जितना आसान यहाँ ऊपर आना था उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ से नीचे जाना। बहुत स्पीड से हम लोग ऊपर आ गए थे यहाँ पे, लेकिन अभी उतना ही डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ से नीचे जाना। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग गए थे ऊपर की साइड और अभी वहीं से वापस सेम रोड। ऐसे आने के वापस बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो रास्ते से हम जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस आने में ज़्यादा भलाई होती है क्योंकि पता होता है हमें। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हम लोग आज एक गलती और करी है कि नाश्ते में कुछ नहीं लाए हैं। तो आप यहाँ पे आओ तो नाश्ता लाओ, कुछ खाओ पियो, चिल मारो, टाइम लेके आओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यही सब करने का मज़ा है, पिकनिक करने का, ट्रैक करो, पिकनिक करो, इन सब का मज़ा है। लेकिन हाँ, कचरा मत करो। सिटी देखना चालू हो गया है, थोड़ा ही नीचे आए उतने में तो सिटी देखना स्टार्ट हो गया है यहाँ से। बीच में देखिए एक चामुंडा माँ का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रणमल चौकी है जो मैंने पहले बताया था कि एक साइड जाते हो तो रणमल चौकी आता है। और ये रहा ईडरगढ़, यहाँ पे जैन देरा सर, यहाँ पे रणमल चौकी, यहाँ पे चामुंडा माँ मंदिर, यहाँ पे ईडरगढ़ और उसके सामने स्वामीनारायण मंदिर, वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है।
जी फ्रेंड्स, हम ट्रैक कर रहे हैं नीचे की साइड और आप देखिए हम कहाँ हो क्या है, एक बार दिखाइए कैमरा को। वहाँ ये टॉप पे जाके आए हम लोग। यस, उधर उधर जाके आए और यहाँ से देखिए सिटी का कितना मस्त व्यू दिख रहा है। रास्ते गए थे उस रास्ते से वापस, यहाँ लिखा था शाही लींबू शरबत, यहाँ से अंदर गए थे और वहाँ जाके आए हम लोग और यहाँ पे वही सीढ़ियों के सामने आ गए। फाइनली जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे वापस आ गए हम लोग। 5186 स्टेप चल चुके हैं और यहाँ से गए थे हम लोग उसके बाद ऊपर। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।